पार्ट 5 में हम देख चुके हैं डोंगचेन और गोमिरन शावर किस कर रहे थे, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 6 से पहले पार्ट 5 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 6 में हम देखते हैं गोमिरन डोंगचेन से कहती है, क्या हम भी नॉर्मल लोगों की तरह रह सकते हैं? डोंगचेन कहता है, अभी इसमें टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, हम जल्द ही साथ रहेंगे। और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर डोंगचेन कुछ सोचता है, तभी हम देखते हैं प्रोफेसर डोंगचेन को सच बता देते हैं, मुझे ब्लैकमेल किया गया था और वो वही इंसान था जिसने एक्सपेरिमेंट से कुछ टाइम पहले मुझे कॉल कर बुलाया था। इधर प्रोफेसर नामते को कहते हैं, एक दिन आएगा जब तुम ठीक हो सकते हो, तो क्या तुम कैप्सूल में जाओगे? नामते कहता है, नहीं, भले ही अब लोग मुझे बुद्धू कहते हैं, पर मैं अपने मॉम डैड और नूना के साथ ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि जब नूना गायब हो गई थी तो यहाँ बहुत दर्द होता था, पर तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरी नूना को वापस लाए, इसलिए मुझे तुम्हारे खराटों पर भी गुस्सा नहीं आता। गोमिरन के आते ही उसकी और डोंगचेन की आंख मिचौली शुरू हो जाती है। तभी वहाँ जीहून आता है, जिस पर डोंगचेन की नजरें थीं। गोमिरन उससे बात करने लगी थी तो डोंगचेन कहता है, चलो मीटिंग में चलो, और फिर बहाने से गोमिरन को अपने करीब बिठा लेता है और साथ में उसका हाथ भी पकड़ लेता है। एक गर्ल पेन उठाते टाइम उन दोनों को हाथ पकड़े देखकर हैरान रह जाती है। ली हुंग मैनेजर को कहता है, तुम्हें मेरी वाइफ से रिलेटेड केस को कवर अप करना होगा, वरना तुम्हारा करियर दांव पर लग जाएगा। तो वो नाहयंग को इस केस को कवर अप करने को कहता है। नाहयंग कहती है, अगर मैं ऐसा करूंगी तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? डोंगचेन जीहून को कहता है, नए इंटर्न की जरूरत तो नहीं थी, पर फिर भी तुम्हें रख लिया। जीहून कहता है, थैंक यू, मैं अपना बेस्ट दूंगा। डोंगचेन कहता है, बेस्ट मत देना अपना। तो वो कहता है, मैं गोमिरन से काफी कुछ सीख लूंगा। डोंगचेन कहता है, क्यों? एक इंटर्न दूसरे इंटर्न को कैसे खाएगी? तुम ह्योंगी से सीखो। जीहून कहता है, पर मैं तो तुमसे सीखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे रोल मॉडल हो। डोंगचेन कहता है, अच्छा, वैसे इस नमूने को लोगों की अच्छी पहचान है। और फिर गोमिरन का हाथ पकड़ एडिटिंग रूम में ले आता है और कहता है, अभी तक किसी ने भी हमारे रिलेशन को नोटिस नहीं किया होगा, आज रात को तुम क्या करोगी? तभी ह्योंगी के आते ही वो दोनों वहीं छुप जाते हैं। ह्योंगी किसी से फोन पर बातें कर रहा था और भर भर कर डोंगचेन की बुराई करे जा रहा था। डोंगचेन को गुस्सा आ रहा था, पर गोमिरन उसे रोक देती है। उसके जाते ही डोंगचेन कहता है, वो पागल है क्या? मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। इधर प्रोफेसर ढाबे पर काम कर रहे थे। डोंगचेन की मॉम उन्हें कहती है, प्लीज आप मेरे बेटे की हेल्प कीजिए, ताकि वो सर्दियों में बिना एसी के रह सके। मैं मरने से पहले अपने बेटे को खुशी खुशी रहते देखना चाहती हूँ। जब वो चला गया था तो मैं एक दिन भी चैन से नहीं सो पाई थी। प्रोफेसर माफी मांगते हैं तो वो कहती है, माफी मत मांगिए, अगर आप वो एक्सपेरिमेंट दोबारा करोगे तो मुझे बुला लेना, पर मेरे बेटे को नहीं, हम दोनों का DNA सेम ही है। डोंगशिक डोंगचेन को बताता है कि डोंगजू घर छोड़कर उस शराबी के पास चली गई। तो वो दोनों डोंगजू के पास पहुंचते हैं। फिर वो उस शराबी से पूछताछ करते हैं। डोंगचेन उससे पूछता है, तुम्हारा मेरी बहन से क्या रिश्ता है और फ्यूचर प्लान क्या है? तो वो कहता है, हम दोनों बस अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो डोंगचेन उसे मारने लगता है। डोंगू आकर कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, तुमने बड़ा भाई होने के बाद भी मेरे लिए क्या किया है, तो अब बड़ा भाई बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? डोंगचेन कहता है, तुम्हें अंदाजा भी है, 20 सालों में तुम्हारी ऐसी हालत देख मुझे कितना बड़ा शॉक लगा था, चलो अब घर चलो। तो वो चिल्लाकर कहती है, मैं नहीं जा रही घर। शराबी प्यार से उसके कान में कुछ कहता है तो वो कहती है, ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं जा रही हूँ। इन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। डोंगजू कहती है, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, पर कोई भी लड़का मुझे दिल से प्यार नहीं करता। डोंगचेन कहता है, तुम्हें पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा, तभी तो कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। वो कहती है, मैं अब बस उस शराबी से शादी करूंगी। डोंगचेन कहता है, उसमें ऐसा क्या है? डोंगजू कहती है, वो बहुत स्ट्रांग है। गोमिरन ब्योंगशिम से शो रिलेटेड बात कर रही थी, फिर कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा जीहून यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है? ब्योंगशिम कहता है, वो बेटा किसका है, मुझ पर गया है, अपने फ्यूचर के बारे में पहले ही सोच रहा है। पर क्या उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता है? गोमिरन कहती है, कौन सा रिलेशन? हमारे बीच कुछ नहीं है। ब्योंगशिम कहता है, तुम मेरे प्योर लव को ऐसे कैसे कह सकती हो, मुझे एक चांस दो। गोमिरन कहती है, तू अभी निकल यहाँ से वरना।
ब्यंगशिम जीहुन को कहता है, वो मेरा फर्स्ट लव है। तुम्हें लव के बारे में कैसे पता होगा? जीहुन कहता है, क्यों? क्यों नहीं पता होगा? वो गोमिरेन ही क्यों है? तो ब्यंगशिम समझ जाता है। नाहयंग गोमिरेन को कहती है, डोंगचेन को संभाल लेना, क्योंकि कोई है जो उसे तुमसे चुराना चाहता है। डोंगचेन ह्योंगी को कहता है, तुम मेरी बुराई किससे कर रहे थे? अब बताओ, जरा खुल के बात करो। पर ह्योंगी के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकलते। ब्यंगशिम गोमिरेन के घर से चला जाता है। गोमिरेन देखती है कि डोंगचेन ने डायरी में लिखा है, गोमिरेन 44 साल की, अब डेटिंग कर रही है। तो वो लिखती है, डोंगचेन 52 साल का, जिसे गोमिरेन पसंद करती है, चलो आज डेट पर चलेंगे। तो वो स्माइल कर कहता है, ये मेरी फर्स्ट डेट है। वहाँ गोमिरेन के साथ नामते भी था। वो उसे रेडी कर स्केटिंग के लिए भेजती है। फिर वो उसे कहती है, वो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसलिए जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे मैं सबसे पहले अपने भाई से मिलवाना चाहती हूँ। वो तुम्हें अब मेरे भाई का भी ख्याल रखना होगा। डोंगचेन कहता है, हाँ, अब तो मुझे उस पर भी अपना अच्छा इम्प्रेशन बनाना होगा, ताकि वो मुझे पास कर दे। मैं अपने दिल से उसकी केयर करूंगा। फिर वो दोनों हाथ पकड़कर स्केटिंग करते हैं। डोंगचेन घर आकर देखता है कि डोंगजू ड्रिंक कर रही है। तो वो उसे रोककर कहता है, तुम मेरी प्रीशियस सिस्टर हो, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उस शराबी के साथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। डोंगजू की आंखों में आंसू थे। डोंगशी की हड्डियों में फिर से पेन हो रहा था। तो वो कहता है, पता नहीं अब मैं और कितने साल जी पाऊंगा। डोंगचेन कहता है, क्या तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलोगे? फिर वो सब गोगो 99 शो के लिए जा रहे थे, तभी वो देखते हैं पार्क को आते हुए। वो अपना इंट्रो देकर जाने लगती है और उसका दुपट्टा उड़ते उड़ते ह्योंगी को टच कर जाता है। डोंगचेन गोमिरेन के साथ बैठ जाता है। पार्क ह्योंगी को आंख मारती है, तो वो हिचकिचाता हुआ उसके साथ बैठ जाता है। ये दोनों उन्हें देख हंस पड़ते हैं। फिर पार्क ह्योंगी को सेड्यूस करती हुई गाना गाती है। सब क्लैप कर रहे थे, पर ये दोनों अपने ही मजे में थे। डोंगजू ब्यूटी पार्लर में आकर कहती है, ऐसा स्टाइल करो कि सब मुझे प्यार करें, क्योंकि मैं प्रीशियस हूँ। फिर वो अपने नए लुक में थी और सारी ड्रिंक की बॉटल्स फेंकने के लिए उठाती है। पीने की सोचती है तो कहती है, नहीं, मैं प्रीशियस हूँ। डोंगचेन सबसे कहता है, आप सब गोगो 99 शो में हो तो अपनी एज भूलकर अपनी जवानी के टाइम पर आ जाओ। वो डांस करते हैं और फिर ड्रिंक गेम खेलते हैं। वॉलीबॉल खेलते टाइम जब पार्क और डोंगशिक एक दूसरे की तरफ बॉल फेंक रहे थे, तो ह्योंगी को गुस्सा आ रहा था। फिर वो सब रात में एक साथ सॉन्ग गाते हैं। डोंगचेन और गोमिरेन उनका 20 साल पहले वाला रूप इमेजिन कर पा रहे थे। गोमिरेन को नींद नहीं आ रही थी, तो वो दोनों मिलने का मैसेज करते हैं। जब डोंगचेन ह्योंगी और पार्क का रोमांस देखता है तो हैरान हो जाता है। फिर वो गोमिरेन को कहता है, जब हम सच में 52 और 44 के हो जाएंगे तो हम कैसे दिखेंगे? गोमिरेन कहती है, तुम गंजे हो जाओगे और पेट निकल आएगा। डोंगचेन कहता है, अच्छा, ऐसे तो तुम भी बहुत गुस्से वाली हो जाओगी। गोमिरेन कहती है, अगर तुम वैसे भी बन गए ना, मैं तब भी तुम्हें लाइक करूंगी। जब वो दिन आएगा तो क्या हमारा टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस होगा? डोंगचेन कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा हो, सो डोंट वरी। और दोनों गले लग जाते हैं। इधर नाहयंग लीहंग को कहती है, मुझे तुम्हारा सारा सच पता है। अगर तुम चाहते हो कि किसी को ये पता न चले, तो बदले में गोमिरेन को वापस कैप्सूल में डालना होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ डोंगचेन चाहिए। तुम्हें प्रोफेसर चाहिए, है ना? शो के लिए ब्यंगशिम की साइकोलॉजिकल लेक्चर की रिकॉर्डिंग चल रही थी। फिर वो डोंगचेन से पूछता है, तुम्हारा गोमिरेन के साथ क्या रिश्ता है? मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे इतना जानने का तो हक है। डोंगचेन कहता है, हाँ जरूर, सच कहूँ तो मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। और उसके करीब होकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें शो पर क्यों बुलाया? ह्योंगी का फ्रेंड डोंगचेन को 20 साल पहले वाली रिकॉर्डिंग देता है। इधर लीहुंग और उसके गुंडे लैब में पहुंचकर लियूसुक का कैप्सूल ढूंढते हैं। जो नहीं मिलता तो प्रोफेसर पर बंदूक तान देते हैं। फिर हम लियूसुक को हॉस्पिटल में देखते हैं, यानी अब वो कैप्सूल से बाहर आ गया। डोंगचेन गोमिरेन को फोन करता है, तो वो पूछती है, क्या बात है? डोंगचेन कहता है, क्या मैं तुम्हें सिर्फ काम से ही फोन करूंगा? मेरा तो तुम्हारी आवाज सुनने का मन था। तो वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? डोंगचेन कुछ कहने लगता है, पर उसे अचानक से चक्कर आने लगे थे और वो गिर जाता है। कीबियम देखता है कि लो टेम्परेचर में वेरिएशन है, तो वो प्रोफेसर को कॉल करता है। पर प्रोफेसर कहते हैं, मुझे तुम पर भरोसा है M34, और फोन कट। और गुंडे प्रोफेसर को ले जाते हैं। लीहुंग नाहयंग को फोन कर कहता है, लीसुक वहाँ से गायब है। इधर डोंगचेन को हॉस्पिटल लाया जाता है। गोमिरेन भी हॉस्पिटल की तरफ भागती है। कीबियम डोंगचेन को बताता है कि एंटीडोट सिर्फ 48 घंटों के लिए काम करेगा, बट मे बी सेकेंड टाइम काम ना करे।
मुझे इसका कोड जानने के लिए प्रोफेसर की हेल्प चाहिए होगी। तभी गोमिरेन उसके पास आकर उसका हालचाल पूछती है। डोंगचेन देखता है कि गोमिरेन के हाथ पर एक माकूबर आया, तो कीबियम बताता है ये वेरिएशन है, तुम्हें अपने इम्यून सिस्टम पर ध्यान देना होगा। डोंगचेन गोमिरेन को अरेस्ट करने के लिए जबरदस्ती घर भेजने लगता है, पर वो मना कर देती है। नाहियंग के पूछने पर कीबियम बताता है कि सिर्फ प्रोफेसर ही उन दोनों को बचा सकते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना जरूरी है। नाहियंग उससे पूछती है रियल लीसुक कहाँ है, तो कीबियम हैरान होता है। डोंगचेन गोमिरेन को कहता है तुम यहाँ होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मैं तुम्हारा साथ में हाथ पकड़ना, तुम्हें देखना और साथ में रहना चाहता हूँ, पर तुम्हें साथ में बीमार नहीं होने देना चाहता। तो वो कहती है ठीक है तो मैं जाती हूँ, पर दोबारा बीमार मत होना। बस स्टॉप पर दूसरे कपल्स को देख उसकी आंखों में आंसू थे। इधर डोंगचेन को भी गोमिरेन की चिंता हो रही थी। गोमिरेन देखती है कि उसके मार्क बढ़ रहे हैं, तो डोंगचेन को देखने लगती है और फिर लव के बारे में लिखने लगती है। वो भागकर बाहर आती है तो डोंगचेन भी वहाँ आ गया था। वो ड्रिंक करके कहती है मैं कुछ चीजें क्यों नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती, ये तो गलत बात है, हम दोनों ही अब मरने वाले हैं, और उठकर चली जाती है। डोंगचेन आकर उसे कहता है हम नहीं मर सकते, हम दोनों साथ में रहेंगे, अभी तो हमें जहाँ बहुत गर्मी है अफ्रीका में भी तो जाना है। वो रोती है तो वो उसे गले लगा लेता है। कीबियम और डोंगचेन लैब में आकर देखते हैं कि प्रोफेसर का किडनैप हो गया। डोंगचेन कहता है अब तो हमें बस लीसुक को ही बचाना होगा। जब वो लीसुक के बेटे को ले जा रहा था तो गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो पुलिस की हेल्प से उसे बचाकर लीसुक के पास ले आता है। डोंगचेन के भी वही मार्क आ गया था, तो वो गोमिरेन को फोन कर घर पर रहने को कहता है। फिर वो लीहुंग को आकर कहता है क्यों ना डील करें, तुम मुझे प्रोफेसर दे दो, मैं तुम्हें लीसुक दे दूंगा। जब वो देखता है गोमिरेन और जीहुन बातें कर रहे हैं तो कहता है तुम दोनों कर क्या रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना दूसरे इंटर्न से बात मत करना, चलो काम पर लगो। और गोमिरेन का मार्क देखने लगता है, पर वो उसके मार्क देखने लगती है। तभी ह्योंगी गेट खोलता है तो दोनों हाथ दूर करके कहते हैं हम तो बस काम की बात कर रहे थे। डिटेक्टिव से डोंगचेन को पता चल जाता है कि नाहियंग लीहुंग से मिली थी। सियोन गोमिरेन को कहती है तुम जीहुन को डेट नहीं कर सकती, तो वो कहती है मैं तो डोंगचेन को डेट कर रही हूँ। डोंगचेन और गोमिरेन को हाथ पकड़ते बातें करता ह्योंगी देख लेता है। इधर कीबियम M34 सॉल्यूशन ढूंढने में लगा था। गोमिरेन उसे कहती है प्लीज तुम उसको पहले ठीक करना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डोंगचेन नाहियंग से पूछता है तुम लीहुंग से क्यों मिली थी और अभी तक इस केस को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया, इस बार कुछ गलत मत करना। नाहियंग कहती है तुम्हें पता है मैं किस दर्द से गुजरी हूँ, तुम्हें भी वो दर्द सहना चाहिए। डोंगचेन कहता है बता दो प्रोफेसर कहाँ है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो लीहुंग को प्रोफेसर को वापस देने को कहती है, पर लीहुंग ने उसकी वो बात रिकॉर्ड कर ली थी जब उसने कहा था कि गोमिरेन को कैप्सूल में डाल दो। डोंगचेन कुछ काम कर रहा था पर ह्योंगी को देख छुपा लेता है। ह्योंगी से कहता है तुम और गोमिरेन डेट कर रहे हो है ना। डोंगचेन कहता है ये बात अपनी गर्लफ्रेंड पाक को मत बताना। फिर पाक और ह्योंगी सीक्रेटली मिलते हैं, तो वो उसे बताता है डोंगचेन को हमारे बारे में सब पता चल गया, शॉक न्यूज तो ये है गोमिरेन और डोंगचेन भी डेट कर रहे हैं। पाक कहती है अगर उन दोनों का बच्चा होगा तो वो होगा आइस बेबी। नाहियंग डोंगचेन को फोन करके कहती है कीबियम की जान को खतरा हो सकता है क्योंकि मैंने लीहुंग को उसकी लोकेशन दे दी थी, तो वो पुलिस को कीबियम की प्रोटेक्शन के लिए भेज देता है। कीबियम रिसर्च में लगा था, कोई कीबियम को मारने आ रहा था पर पुलिस को देख भाग जाता है। गोमिरेन कीबियम से पूछती है ये माइटो मैजिक क्या है, तभी कीबियम को याद आता है माइटो मैजिक M34। सियोन उन दोनों की खैर खबर ले रही थी तो ब्योंगशिम कहता है मैंने गोमिरेन पे गिव अप कर दिया। जीहुन कहता है थैंक यू डैड, क्या अब मैं गोमिरेन को डेट कर सकता हूँ। सियोन कहती है गोमिरेन ऑलरेडी डोंगचेन को डेट कर रही है। इधर कीबियम ने M34 सॉल्यूशन रेडी कर लिया था तो वो दोनों खुश थे, पर तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं गोमिरेन ने कीबियम को कहा था इंजेक्शन पहले मुझे लगाना, उसने सही काम किया तभी उसे लगाना। नेक्स्ट डे डोंगचेन को पता चलता है कि गोमिरेन ने पहले ही इंजेक्शन लगवा लिया, तो वो उसके पास भागकर आता है और कहता है तुम हर चीज मुझसे पहले ही क्यों करती हो, और खुद भी इंजेक्शन लगवा लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। कीबियम कहता है ये सिर्फ एंटीडोट है, इससे तुम्हारा टेम्परेचर ठीक नहीं हुआ, तो टेम्परेचर को 31.5 डिग्री सेल्सियस पर ही मेंटेन रखना। उन दोनों के मार्क अब ठीक हो गए थे। नेक्स्ट सीन में ह्योंगी सबसे कहता है अगर तुम अपने कलीग को डेट कर रहे हो तो थोड़ा केयरफुल रहना वरना पकड़े जाओगे।
सब गोमिरन की तरफ देखने लग जाते हैं तो वो मुंह छुपाती है। इधर डोंगचेन एडिटिंग रूम में कुछ काम कर रहा था और वो फाइल सेंड कर देता है। टीवी पर गोगो 99 शो ब्रॉडकास्ट हो रहा था, तभी 20 साल पहले की रिकॉर्डिंग चल जाती है और बताते हैं 2019 में लीसियो की वाइफ का अचानक मर्डर होना। 1999 में हम कैप्सूल से बाहर निकलने का वेट कर रहे थे, पर उस रात कोई घटना घटी। इन दोनों घटना के पीछे हाथ है इस आदमी का, ली ह्यूंग, लीसियो का जुड़वा भाई। रियल लीसुक तो कैप्सूल में था। लीसु कहता है, मैं रियल लीसुक हूँ। सब हैरान थे, यानी डोंगचेन इसी काम में बिजी था। और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड हो जाता है।